जय हिंद प्यारे बच्चों, आइए एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में स्टडी विद एलवी सर में। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन आपका आता है 10.14। ठीक है, चलिए देखते हैं 10.14 क्या है। 10.14 देखिए, 10.14 में आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन हैं, जिसको क्या करना है आपको सॉल्व करना भी है, उसको पूरा करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपके पास क्या, एसीटोन के साथ अभिक्रिया है, लिखा हुआ कुछ इस तरह से CH3 है, CH3 के साथ आपके पास CH2 है, ऐसे लिख ले रहे हम लोग, CH3 CH2 CH2 है, और CH2 के साथ आपके पास क्या होगा, Cl है, अर्थात ये 1-क्लोरोप्रोपेन है। इसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ हो रही है। लिया गया आपके पास क्या, एसीटोन और उष्मा। ठीक है, लिखा हुआ आपके पास क्या, एसीटोन, एसीटोन है, और एसीटोन के साथ क्या दे रहे हैं, उष्मा भी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, एसीटोन है, एसीटोन के साथ उष्मा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा आइए देखते हैं, दूसरे में आपको क्या दिया गया है, दूसरे में ये कह रहे हैं कि भैया 2-ब्रोमो-2-मिथिल-प्रोपेन है, ऐसे लिखा हुआ CH3 का होल थ्राइस सी है, और सी के साथ लगा पास क्या, Br। ठीक है, और प्लस दिया गया पास क्या, KOH है। ठीक है, K और OH है, और कैसा भैया, इसमें लिखा हुआ पास एथेनॉल है, एथेनॉलिक है, नहीं एथेनॉल, एथेनॉल है, और इसको भी क्या दिया जा रहा भैया, उष्मा दिया जा रहा है, एथेनॉल है, उष्मा दिया गया, उत्पाद क्या बनेगा वो आपको बताना है। तीसरे में हम लोग देखते हैं, तीसरे में क्या है, तीसरे में देखने को मिल रहा है आपके पास क्या, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन है, अर्थात इस तरह से लिखा हुआ CH3 CH2 और CH2 साथ कोष्टक लगा हुआ, तो हम लोग कोष्टक को बाहर लगाते हैं, Br लगा दे रहे हैं यहाँ पे, और ये हो गया H, और H के साथ लगा पास CH2। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, ये CH2 है, इसके साथ लगा दीजिए Br, चलिए यहाँ पे Br लगा दीजिए, बात हुई दोनों है, और ये हो गई CH3 ना, तो 2-2-4 नाम हो गया क्या, 2-क्लोरो-ब्यूटेन है, और 2-क्लोरो-ब्यूटेन में फिर अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, ये Na और OH के साथ है, इसके साथ क्या है भाई, जल, एल्कोहल नहीं मिला इसे। चलिए चौथे के बारे में बात कर रहे हैं, चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है CH3CH2Br, CH3CH2Br, CH3 है, फिर CH2 है, और इसके साथ आपके पास Br है, प्लस KCN, पोटेशियम साइनाइड है, जलीय एथेनॉल। ठीक है, चलिए बात करते हैं जलीय एथेनॉल की। जब जलीय एथेनॉल की बात आती है तो क्या होगा वो हमें देखना भी, बिल्कुल 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 नहीं, अगला क्या हो रहा है, देखिए लिखा हुआ पास क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, नहीं फिनॉल से लिया गया है, सोडियम फिनॉक्साइड पांचवा है, लिखा हुआ है C6H5ONA। ठीक है, अब प्लस अभिक्रिया करवा रहे हैं एथिल क्लोराइड C2H5 उसके साथ Cl, एथिल क्लोराइड साथ अभिक्रिया हो रही, तीर पे कोई संकेत नहीं है, हटा दे रहे हैं। अगला आपका दिया जा रहा है क्या, लिखा हुआ आपके पास प्रोपेन वन ऑल है, बिल्कुल बात करते समय छठवे में, प्रोपेन वन ऑल नहीं, बिल्कुल लिखा कैसा भैया, CH3 CH2 और फिर CH2 है, और इसी पे OH लगा रहे, प्रोपेन वन ऑल, प्लस दिया गया है SOCl2। ठीक है, चलिए लंबा हो जा रहा है, इसको हम लोग पहले इतना देख लेते फिर अगले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया पढ़ें तो आपके पास ये एसीटोन की उपस्थिति में है और सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है। हमने आपको बताया था एक फ्लिंकेस्टाइन अभिक्रिया, क्या था, देखिए क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन या फिर क्या क्लोरोमेथेन ब्रोमोमेथेन बनाना आसान होता है, लेकिन फ्लोरो और आयोडो बनाने के लिए हमने आपको दो अभिक्रियाएं बताई थी जो स्पेशल थी। फ्लोरो के लिए हमने बताया था आपको स्वार्ट्ज अभिक्रिया, जिसमें धातु फ्लोराइड का प्रयोग करते थे, ठीक है, और आपको बताया गया था आपके पास क्या भैया, फ्लिंकेस्टाइन अभिक्रिया बताई गई थी, जिसमें लोग क्या करते थे, आयोडीन बनाते थे, आयोडो बेंजीन या फिर आयोडो मेथेन का निर्माण करते थे। तो चलिए हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, ये एक प्रकार का पास भैया कैसी अभिक्रिया है,
ये फ्लिंकेस्टाइन अपक्रिया, यहां से क्या होगा Na ये Cl के साथ अपक्रिया कर लेगा, NaCl बनेगा और आयोडीन आकर के लग जाएगा। तो यहां पे आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, वो हो गया CH3 CH2, फिर आपके पास होगा CH2 और यहां पर आएगा I और प्लस क्या बन गया NaCl, नाम हो गया वन आयोडो प्रोपेन। ठीक है, मुख्य उत्पाद आपके पास क्या होगा, वन आयोडो प्रोपेन होगा। चलिए देखिए एथेनॉल है और एथेनॉल के साथ लिखा होगा पास क्या CH3। देखो ये है कैसा, ये हम पहले देख लेते हैं, सी है इसके साथ क्या होगा ये वाला सी, इससे CH3 तीन बार लगी, थोड़ा सा सुधार करते हैं यहाँ पे, CH3 तीन बार है तो इस तरह से लिखेंगे CH3 से, सॉरी CH3 तीन बार है तो ये हो गया आपके पास क्या CH3 एक बार, CH3 दूसरी बार और CH3 तीसरी बार। ठीक है, बैलेंसिंग तक पूरी होगी, मिस हुआ था। ठीक है, अब क्या बना इसके साथ, इसके साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं Br और क्या लिखा हुआ एथेनॉल, बता सकते एल्कोहल के साथ पीएक्कल हो गया नहीं, तो इसमें हमने बताया दो कार्य होता है। अगर जलीय होता है एथेनॉल, नहीं जलीय एथेनॉल या फिर जैसे जल है, जल का सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है जल की उपस्थिति में, तो भैया वो एक ही काम करता है, लेकिन जो एल्कोहलिक होते हैं वो काम ज्यादा करते हैं, दो काम बताया था ना एथेनॉल दो कार्य, ये कहलाता है पास क्या वी हाइड्रो हैलोजनीकरण या फिर इसको हम लोग कहते हैं बीटा विलोपन। ठीक है, आइए देखते हैं तो बीटा विलोपन में हमारे पास क्या होगा, ये जो कार्बन है वो कैसा है, जिससे हैलोजन लगा होता वो कार्बन अल्फा, बाकी सभी बीटा कार्बन परमाणु, ये तीनों के तीनों बीटा कार्बन परमाणु, तो क्या होगा अल्फा परमाणु से हमेशा हैलोजन किसके साथ अपक्रिया के साथ, तो प्लस क्या बन गया के और के साथ बी आर आकर लग गया, और बीटा परमाणु से क्या भैया बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन, तो भैया सरजब साहब ने बताया था उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालिए जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम हो वही मुख्य उत्पाद होगा, लेकिन यहां पे देखा जाए जितने भी बीटा कार्बन है सबके पास तीन तीन और तीन हाइड्रोजन परमाणु है, तो किसी एक से आप लोग निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग यहां से H निकालना है तो इनके और इनके बीच क्या बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस तरह से बना आपका CH3 C और यहां पे हो गया डबल बॉन्ड CH3 था, H निकला तो क्या बना ये CH2 और ये क्या बचा CH3 ये बची। ठीक है, और प्लस बन गया आपके पास क्या KBr और प्लस क्या बना आपके पास H2O बना, क्लियर है ना, क्योंकि इसका H अर्थात इसका H और OH यहां से निकल करके जल भी बना दिया और ये बनी क्या आपके पास भैया ये बन गई एक, सॉरी कैसा होगा भैया एक दो तीन कार्बन है 2-methyl propene कहलाएगा ना, नाम भी लिख लेते चलिए वन आयडो प्रोपेन और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम अगर देखा जाए 2-methyl propene, 2 पे लगा मेथिल और क्या है भैया 2-methyl propene है 2-methyl propene। ठीक है, यहां पे बात करते हैं देखो जल है तो ये क्या है भैया जलीय है, पानी पिया है भैया एक ही काम करेगा क्या खाली प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, और जब प्रतिस्थापन अपक्रिया तो भैया NaBr को हटा करके OH यहां पर आपके पास क्या होगा लग जाएगा, तो क्या बनेगा चलिए बनाते हैं यहाँ पे भाई CH3, बिल्कुल ये CH3 होगी, यहाँ पे हो गया CH OH आकर के लग गया, फिर बना आपका CH2 और ये CH3 प्लस क्या हो गया NaBr, बिल्कुल यहां का Na और इस Br के साथ इसकी अभिक्रिया हो गई, NaBr निकल गया नहीं, तो जब NaBr निकल गया आप लिख दीजिए NaBr सोडियम ब्रोमाइड, चलिए नाम क्या हो गया ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, ब्यूटेन और टू पे क्या लगा है ऑल, ब्यूटेन टू ऑल ये कैसी अभिक्रिया है भैया, ये हम लोग कहते थे क्यों भैया साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तो क्या करेगा ये बिल्कुल ये CN और BR नहीं सॉरी के BR निकल जाएगा CN आकर के लग जाएगा, क्या बना बिल्कुल आपको आसान लगेगा CH3 CH2 बिल्कुल CH3 CH2 CN नहीं तो लिखेंगे C और N और प्लस क्या निकल गया प्लस निकला प्लस क्या KBr पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। तो देखिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये CN है तो CN मतलब क्या होगा ये नाम हो गया एथेन साइनाइड भी कहते हैं या फिर प्रोपेन नाइट्राइल तो ये है प्रोपेन नाइट्राइल और KBr निकल चुका है।
एथिल साइनाइड भी इसको कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ये भी लिख लीजिएगा सही, ये भी रहेगा एथिल साइनाइड। आइए आगे देखते हैं, ये देखिए आप लोग को दिखने को लग रहा होगा कौन सी अभिक्रिया भैया, विलियमसन ईथर संश्लेषण। क्या करेगा, NaCl के साथ अभिक्रिया, NaCl निकल गया C2H5 आकर के यहां पे लग जाएगा, तो बनेगा आपके पास क्या C6H5O और क्या होगा C2H5। देखो NaCl निकला, C2H5 आकर के यहां पे लग जाएगा, O बना और O के साथ आपके पास क्या C2 और H5 प्लस क्या निकल गया NaCl। नहीं ये क्या भी आपके पास देखो ऐसे है, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ क्या भैया ये O, तो आप इस तरह से लिखिए O और O के साथ क्या लगा C2 और H5, नाम है एथ ऑक्सी बेंजीन, इसका नाम हो गया एथॉक्सी बेंजीन। ठीक है एथॉक्सी बेंजीन। अगला था आपके पास क्या, ये देखिए SOCl2 जिसको हम लोग क्या कहते थे डार्जल अभिक्रिया, ना बिल्कुल ऐसे बॉन्ड तोड़ते थे, SO को यहां पे लगाया, Cl यहां पर और Cl यहां पे, तो क्या बना ये माइनस का निकल गया, SO2 गैस निकल गई। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें बनने वाले जो उत्पाद होते हैं सह उत्पाद जो होते हैं वो किस अवस्था में होते, गैस अवस्था में होते। ठीक है बच्चों, चलिए SO2 गैस, HCl भी क्या बने गैस अवस्था में है, ये भी निकल जाएगी, ये क्या होगा आपके पास CH2 के पास कौन आ गया Cl आ गया, तो कंपाउंड क्या बन करके आ रहा है, बन आपका CH3, बिल्कुल देखिए CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 फिर CH2 और क्या लिखेंगे Cl, प्लस क्या है प्लस तो हमने यहां पे लिखे हैं, या फिर आप आगे लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस बना आपके पास क्या SO2 गैस, प्लस बनी आपके पास क्या HCl। ठीक है ये कहलाती थी आपको अभी क्या डार्जल अभिक्रिया। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका भैया, सबसे अच्छा तरीका है एल्किल हैलाइड बनाने का, क्योंकि इसमें बनने वाले जो सह उत्पाद होते हैं वो गैस अवस्था में होते हैं, जिन्हें पृथक करने की आवश्यकता नहीं होती है, आराम से अपने आप क्या करते हैं ये उत्पाद से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है आइए दो क्वेश्चन और बचे हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, नोट करें आप लोग इसको, ठीक है इसको नोट करें फिर अगला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए हो चुका, आइए देखते हैं कुछ अगले सवाल। दिया गया है आपको आठवां सवाल, सातवें सवाल के बारे में बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो सातवें क्वेश्चन में लिखा हुआ आपका CH3 CH2 CH, CH3 है CH2 है, ठीक है और फिर लिखा आपके पास क्या सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड होगा आपका CH2 है, प्लस है आपके पास HBr, नहीं और तीर के ऊपर लिख दिया गया पर ऑक्साइड। ठीक है पर ऑक्साइड लिखा हुआ, उत्पाद क्या बनेगा वो आपको बताना है। और आठवें सवाल में हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है भाई, तो आठवें सवाल के बारे में बात करते चलते हैं अपने, कैसा बना हुआ कुछ इस तरह का है, चलिए लिखते हैं आसानी से भैया सी एच थ्री है, फिर आपके पास सी एच है और इसके साथ लगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ लिखा हुआ आपके पास सी और सी से दो बार सी एच थ्री लगी हुई, तो हम लोग इस तरह से लगाते हैं आपके पास एक बार सी एच थ्री ये और एक बार सी एच थ्री ये, प्लस क्या है प्लस हमको बनाना यहाँ पे भी HBr है, लेकिन आखिर बार तीर पर परऑक्साइड नहीं है, तो ये आठवें सवाल के बारे में हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या हो, देखिए परऑक्साइड क्या बताता है, परऑक्साइड बताता है आपका क्या एंटी मार्कोनिक ऑफ भैया क्या होता है एंटी परऑक्साइड, अगर तीर के ऊपर लिखा होता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का योग जो होता है वो मार्कोनिक ऑफ के विपरीत हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है मार्कोनिक ऑफ नियम क्या था भैया, मार्कोनिक ऑफ का नियम ये था कि भैया अगर कोई आपस असममित एल्कीन है
उसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ना चाहते हैं तो रिडाइन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये मार्कोनिकॉफ ने कहा था। जब एंटी मार्कोनिकॉफ आ जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात आपको क्या लगेगा कि भैया रिडाइन वहां जाएंगे जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, अधिक हो। तो भैया ये बिल्कुल, जब ये टूटेंगे तो एच के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, बी आर पे माइनस चार्ज। एंटी मार्कोनिकॉफ है, जब एंटी मार्कोनिकॉफ है तो असममित एल्किनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग जो होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है, अर्थात ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होती है, और ये यहां आएगा। तो कंपाउंड आपको इस तरह से पता चल रहा होगा क्या बना, बिल्कुल देखिए, ये बना आपका CH3 है, ये है आपका CH2 है, और CH क्या CH है, H मिला इसको तो क्या बन गया भाई, ये भी बन गया आपका CH2, और ये है आपका CH2 है, और इसी के पास बी आर आकर के लग गया, नाम हो गया भैया 1-ब्रोमो-ब्यूटेन। ठीक है, वन पे क्या लगा है, ब्रोमो, ठीक है, 1-ब्रोमो-ब्यूटेन कहलाया, ये 1-ब्रोमो-ब्यूटेन हो गया। आगे इसके लिए देखते हैं, एच बी आर है, अब फिर परऑक्साइड है, इसका मतलब क्या, ये मार्कोनिक ऑफ नियम है, नहीं मार्कोनिक ऑफ नियम से होगा। मार्कोनिक ऑफ नियम क्या कहता है, यदि किसी असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ा जाता है तो रिडाइन कहाँ जाते हैं, रिडाइन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती, और एच कहाँ जाएगा, एच आएगा यहाँ पर जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज्यादा, रिडाइन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। यहाँ पर परऑक्साइड है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रिडाइन वहां जाएंगे जहां हाइड्रोजन परमाणु ज्यादा होंगे। चलिए बनाते हैं, बनेगा CH3, CH3 वाला पास आएगा CH, और CH के पास होंगे एक H और आया तो ये बन गया CH2, बॉन्ड टूट गया। अगला बना C, C के साथ आया Br, और यहीं पे लगा एक CH3 लगी हुई है और एक CH3 और ये लगे रहे, ये योगात्मक अभिक्रिया है। योग मतलब होता है दो चीजों का आपस में जुड़ जाना। नंबरिंग कहां से होगी भैया, नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे। रीजन क्या है, हैलोजन को कम अंक मिलेगा, नहीं नाम क्या हो गया, 2-ब्रोमो-2-मिथिल-ब्यूटेन, नाम हो गया 2-ब्रोमो-2-ब्रोमो, और 2 पे क्या है, मिथिल भी है, 2 पे लगी मिथिल, 2-ब्रोमो-2-मिथिल, और 4 कार्बन की क्या हो गई, ब्यूटेन, 2-ब्रोमो-2-मिथिल-ब्यूटेन। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास 10.4 का क्वेश्चन। बात आती है 10.14, अब बात आती है 10.15 की, नोट कर लीजिए इसको। मंजिले अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, कोई साथ ना दे दिल बेचारा क्या करे। आइए हम लोग बात करते समय 10.15 का, ठीक है, आपका स्वागत है पुनः नवीन सर के साथ। क्या दिया गया है, NBuBrA, क्या है ये आपको समझना है भाई। ये क्वेश्चन कह रहा है एन है, एन के साथ लिखा बी यू है और लिखा हुआ बी आर, सर जी कोड भाषा है, प्लस लिखा आपका बी आर, प्लस लिखा के साथ CN, पोटेशियम साइनाइड, बिल्कुल स्पष्ट है। इसकी क्रियाविधि लिखनी है और यहां पे लिखा आपका क्या, ETOH, एथिनॉलिक है, और साथ में लिया गया आपका क्या भैया, जल का भी इन्होंने प्रयोग किया, जल H2O। बनना आपके पास क्या, NBU और क्या बनेगा, CN। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने आप लोग को बताया है कि भैया SN1 और SN2 अभिक्रियाएं दोनों बता दी है। जो SN1 होती है वो दो चरण की होने वाली थी और जो SN2 थी वो एक चरण में संपन्न होने वाली क्रिया है। यहां पर ये N क्या कह रहा है, N मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, ये होता है नॉर्मल, ठीक है, NOR और MAL। BU मतलब होता है ब्यूटिल, BU और TYL, और BR मतलब हो गया ब्रोमाइड, BRO और MID। तो ये NBuBr का मतलब हो गया आपका क्या, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड।
ईटीओएच मतलब होता है क्या पर, ये एथेनॉलिक, ईटीएचओनॉलिक, NOLIC, एथेनॉलिक, ETHANOL, एथेनॉलिक। और NBUCL मतलब होता है क्या, नॉर्मल, NOR और ML, नॉर्मल ब्यूटिल। और क्या, साइनाइड, CYNID। तो ये है कोड भाषा, कोड भाषा को हमने क्या कर दिया, डिकोड किया यहाँ पे, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब यही हमें बनाना है, ठीक है। मैकेनिज्म लिख लेते हैं भाई, MECHA और NISM। जब मैकेनिज्म की बात आती है तो मैकेनिज्म में हम लोग क्या करेंगे भाई, मैकेनिज्म लिखा नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, अर्थात कैसा होगा ये, कुछ इस प्रकार का। ब्यूटिल मतलब होता है CH3, CH2, फिर आपका CH2 है, और ये क्या, एक बार ये CH2, ये ब्यूटिल है, और इसी पे लगाना है Br। ये कहलाता है नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है, आप इस तरह से लिखिए। देखिए हमने आपको बताया था पास वॉल्डन इन्वर्जन की व्यवस्था ना, आप इस तरह से इसको थोड़ा सा हटा लीजिए भैया, एच को इस तरह से कर लो, क्या करना हम लोग को भैया, क्या नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड इस तरह से भी लिखेंगे, तभी भी वही कह रहा है एच यहां पर हो गया और एच यहां पर हो गया। इसके फिर हम किससे करवा रहे भैया, प्लस है KCN, के और इसके साथ लगा CN, पोटेशियम साइनाइड। और केसीएन कैसा होता है, आयनिक प्रकृति का है, अर्थात ये बॉन्ड टूटेगा इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। ये क्या लग रहा होगा आपको, नाभिक रागी, ठीक है। और नाभिक रागी क्या करेगा, प्रतिस्थापन क्रिया करेगा। तो हमने आप लोग को बताया था अगर इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो आपके पास क्या, एक भैया क्या बिल्कुल बिल्कुल मंद चरण होता है, मंद चरण होता है। मंद चरण में क्या होता है भैया, ये मंद चरण है, इसमें संक्रमण अवस्था आती है। और संक्रमण अवस्था कैसी है भाई, वो मैं आपको बता रहा हूं। संक्रमण अवस्था में क्या होता है, ये जो केसीएन है वो क्या करेगा, सीएन जो माइनस चार्ज, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, तो ये नाभिक स्नेही क्या करता है, इसके ऊपर आक्रमण करता है। के प्लस आयन पढ़ा होगा, जब आक्रमण करेगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों चालू हो जाता है। अर्थात कैसी संरचना आएगी, कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। ये आपका कार्बन ये वाला है, ठीक है। इसके साथ कौन है भैया, तो दो हाइड्रोजन है, तो हम लोग दो हाइड्रोजन लगा लेते हैं भैया, चलो एक हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे लगा दिए। चलो इस तरह से आपके पास क्या होगा, इस तरह की इसको संरचना आएगी। ये बॉन्ड धीरे धीरे, हमने आपको बताया ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, बी आर वाला। और ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो गया, किसके साथ भैया, सी एन, नहीं आप इस तरह से लिखिए, ये होगा क्या, सी से आके जुड़ रहा है, तो आप लिखो एन और एन के लगाइए सी, ये सी के साथ ऐसे बॉन्ड लगकर जुड़ जाए। बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन। और इसके साथ क्या बचे हुए भैया, तो बिल्कुल आप इस तरह से लगा दिए कि भैया एक हाइड्रोजन परमाणु ये और एक हाइड्रोजन परमाणु ये, दो हाइड्रोजन परमाणु, और एक पे क्या लगाना है आपको, एक पे लगाना है ये पूरा, अर्थात लगाना क्या भैया, सी एच टू, फिर आपका सी एच टू और लगानी है सी एच थ्री। ओके भाई, बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं, दो हाइड्रोजन हमने, दो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए, आप एक हाइड्रोजन को यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका सी एस थ्री हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। ये कहलाती है आपकी संक्रमण अवस्था, नहीं संक्रमण अवस्था। देखिए जो संक्रमण अवस्था होती है तो धीरे से क्या करता है, बी आर वाला बॉन्ड टूट जाता है, वाल्डन इन्वर्जन में आ जाता है, ठीक है। तो ये फिर अब जो होती है वो तीव्र पद में होती है, ये तीव्र गति से होता है। और बनेगा क्या आपके पास, तो ये देखिए सी, और सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड आपके पास एन है, आएगा क्या सी, बिल्कुल ये बॉन्ड बन चुका है। इसके बाद बनेगा आपके पास क्या, इधर भी आपके पास एच हो गया, इधर भी आपके पास एच हो गया, और इधर बनाएंगे हम लोग क्या, सी एच टू, फिर सी एच टू, और ये सी एच थ्री। ये कहलाता था वाल्डन इनवर्जन, डब्ल्यू ए एल डी ई एन, वाल्डन इनवर्जन, आई एन वी ई आर और एस ओ एन। नाम क्या होगा, एक दो तीन चार, और चार क्या होगा, सी एन, अर्थात क्या, ब्यूटिल साइनाइड, या फिर इसको लोग कहते हैं पेंटिल नाइट्राइल, एन पेंटिल, पीई एन टी वाई एल नाइट्राइल, एन वाई टी आर आई एल ई, ठीक है। या फिर लिख सकते क्या आपका, ये पहला नाम हो गया, दूसरा नाम क्या हो सकता भैया, और एक दो तीन चार, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटिल, बी यू और टी वाई एल साइनाइड, सी वाई और एन आई डी, जो यहां पर बना हुआ है। तो एक बार फिर से ध्यान दें, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पास क्या, ये क्रिया कौन सी भैया, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं एस एन टू मैकेनिज्म।
SN2 अभिक्रिया, और ये क्या होगा के और ये Br निकला, तो प्लस आप लिख सकते हैं प्लस, और क्या बनेगा के Br पोटेशियम ब्रोमाइड। नहीं चलो एक बार फिर से ध्यान देते हैं, हमने आपको SN2 अभिक्रिया बताई है। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है भैया, ये जो नाभिक रागी होता है वो पीछे से आक्रमण करता है। क्यों करता है, क्योंकि पीछे से लगने वाले ये छोटे छोटे जो समूह हैं वो क्या करते हैं, इन पे भी आक्रमण से बचा नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये नाभिक रागी, जो नाभिक रागी है बिल्कुल, इसको हम लोग क्या कहते थे नाभिक रागी, और ये जो नाभिक रागी होता है वो क्या करेगा आक्रमण करेगा, इसके पास मंदचड़ होगा, मंदचड़ के फलस्वरूप क्या बनेगा, ये बनेगा पास क्या, इस तरह से संक्रमण अवस्था आएगी, और संक्रमण अवस्था के बाद ये तीव्रता से क्या करेंगे इनके बॉन्ड को तोड़ देंगे और Br निकल जाएगा, और यहाँ पे जो K है वो Br से अभिक्रिया करके KBr बना रहता और ये बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमने आपको दो चरण बताया था, ये था बॉन्ड फॉर्मेशन और ये था बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास क्या हो गई क्रियाविधि हो गई। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो चुका 10.15। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में 10.16 और उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।